लिपे पे तो आती होगी। एग्जैक्ट लेटर्स नहीं याद है, लिपे याद है। एग्जैक्ट थोड़ी बहुत तो सुना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक और आप देख रहे हैं दमदार पॉइंट। आप लोग जो है वो माशाल्लाह से ग्रेजुएट भी हो चुके होंगे, मास्टर्स भी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना हम पीछे का भूल जाते हैं। तो ये तालीम देने के लिए या पूछने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ बात करेंगे अपने तालबे इल्मों से, अपने स्टूडेंट से, अपनी यूथ से, अपनी जनरेशन से कि भाई आप कितना आगे बढ़ गए लेकिन पीछे का याद है आपको? क्या आप दूसरी, पाँचवीं, चौथी, पहली इन क्लास से पास कर चुके हैं या जैसे जस्ट टाइम पास हुआ था आपका? तो चलिए आइए लोगों से पूछते हैं, मजा आएगा। आसमान में क्या कर रहे हैं? मैं सीएस कर रहा हूँ फास्ट। अच्छा, माशाल्लाह सर, सीएस कर रहे हैं फास्ट से। तो आपको ये बताना है ए टू जेड में कितने लेटर्स होंगे, आइडिया होगा? 26 होते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह से, मेमोरी बड़ी प्यारी है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अब सर जल्दी से अलिफ से ये सुना दे। ये तो नहीं है। अलिफ बे पे ते से, अलिफ बे पे ते ते से, नून जीम हा खा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा? नहीं। कौन सी क्लास में? मैट्रिक। मैट्रिक में। और आप? एफएससी पास। अच्छा, हम लोग ऐसा है कि भाई एक बड़ा ही मज़े का सवाल है, ए टू जी में कितने लेटर्स होंगे ये तो पता ही होगा, कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 ही होते हैं, बिल्कुल सही बोला। अलिफ से ये सुना दें बस। अलिफ ये बे पे ते से जीम चे ते नून वाइन। नून आ गया? नून नहीं आएगा आपकी। ऐसा ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, यही चेक करने के लिए आपसे ही पूछना चाहूँगा, ए टू जी याद है आपको? ए टू जी हाँ। आती है? हाँ। कितने लेटर्स होते हैं? 24 24 होते हैं। ओके अच्छा चलिए, तो ये ए टू जी अली पे पे तो सुना। नहीं नहीं बस हवा निकल गई। ए टू जी तो चलो आपने बता दिया, मान लेते हैं ए टू जी 24 कर लिया हमने। अलग पे पेते भी क्या इशू है? हम उर्दू तो हम भूल रहे हैं, इंग्लिश को याद है, ऐसा क्यों? उर्दू जो है हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती वैसे देखा जाए तो, अगर इंग्लिश की तरह पढ़ाई जाए ना वो भी याद ही रहेगी हमें। अच्छा। बताओ क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? मैं फास्ट में हूँ, एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फास्ट, आप माशाल्लाह सही है। कुछ प्रीवियस क्लासेस का याद है, पहले जो पढ़ा था हम पहले पढ़ते थे क्लास 1-3 का? थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। ए टू जी तो याद होगी जी। कितने लेटर्स होंगे? 26 और अलिफ बे पे थे भी याद होगा? क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। ए टू जी याद है जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए ये तो बेहतरीन हो गया है। अच्छा ये बताओ भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग। क्या प्री इंजीनियरिंग? प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं भाई। एक सवाल है हमारा, ए टू जी आती है जी? जी। कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। और अलिफ बे पे तो सुना दो आप। अलिफ बे पे ते टे से चे जीम चे हे खे दाल 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 जा रे जे से हे हे खे। नहीं नहीं खे नहीं हे खे हे खे है नहीं। हाँ पे बाद में खे तो हो गया ना। खे हो गया। दाल 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 तो निकल गया, वो निकल वापस आ गया। Are you sure about that? हे पे काफ 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 लाम मीम। नहीं वो जो वर्ड होता है ना बड़ा खास वर्ड है ये। कौन सा? काफ काफ। हाँ काफ। मैं मार नहीं जाऊँ काफ का चले तू। लाम मीम नून वाव हा हमजा या हमजा छोटी है बड़ी है? छोटी है बड़ी है। बढ़िया वेरी गुड। हम ये देखना चाह रहे थे समीर कि आप माशाल्लाह से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ए टू जी में कितने लेटर्स होते हैं? 26 अब जरा अलिफ पे पे तो सुना दें। रुक जाए मैं सुना दूँ। अलिफ बे पे ते टे टे नहीं 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 अलिफ बे पे ते रुक जाए यार टे होता है टे होता है टे होता है टे होता है लेकिन बाद में होता है। हाँ अलिफ बे पे ते से टे बे पे ते से टे पे ते टे पे ते टे टे से जीम जीम चे हे खे दाल जाल दाल जाल राल राल नहीं होता है। क्या बात करते हैं यार? नहीं यार वो डाल होता है ना, होता नहीं क्या होता? डाल डाल जाल। हाँ डाल जाल तुए नहीं 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 तुए कहाँ से आ गया? नहीं 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 रे जे जे
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दाल दाल जाल रे जे जे रे जे से। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। मुझे यकीन है आप सुना दोगे, लेकिन हमें एक घंटा नहीं करना है। तारा कौन सी क्लास में पढ़ी? मैं यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर, सर सैयद यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर चल रहा है आपका, तो आप ये बताएं ए टू जी में कितने लेटर्स होते हैं? 29, आसान है। 29, अच्छा चलो ए टू जी को छोड़ देते हैं, अलिफ बे पे तो आती होगी। एग्जैक्ट लेटर्स नहीं आ रहे हैं, पे आ रहे हैं। एग्जैक्ट थोड़ी बहुत तो सुना है। अलिफ बे पे ते से जीम चे हे दाल दाल से रे तोए जोए ऐन गैन पे काफ काफ लाम मीम नून वाव नून नून मुन्ना। जाने दो, जो जो जा रहा है जाने दो, जाने दो। आपको जैसे आइडिया होगा ए टू जी में कितने लेटर्स होते हैं? किसमें? ए टू जी 26 लेटर्स होते हैं। एग्जैक्टली अलिफ बे पे ते अगर सुना दें। अलिफ बे पे ते टे से जीम जे हे थे दाल डाल दाल रे री छुजे भरीजे सीन सीन स्वाजात हुए जोए हैं रेन फे काफ के काफ काफ लाम मीम नून वाओ हे हमजा छुटिए बढ़िए। भाई क्लैप बनता है यहाँ पे। कौन कौन सी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग बी एस एस चार्ज फाइनेंस डिपार्टमेंट। ए टू जी में कितने लेटर्स होते हैं, कुछ आइडिया? 26 वाओ गुड भाई, याद तो है। अब आप में से मुझे कौन जो है वो अलिफ से ये तक सुनाने वाला है? अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे के दाल डाल दाल रे रे दे दे सीन शीन स्वा दो तो ए तो ए आई एम गोइंग फे काफ 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 नाम मीम नून वाओ हा हम दा छोटी बड़ी पास 100% ओके। ये तो इन्होंने सुना दिया, आपकी बारी। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे के दाल डाल डाल रे रे दे से सीन शीन स्वा दो तो ए तो ए आई एम गोइंग फे काफ 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 नाम मीम नून वाओ हम दा छोटी बड़ी। भाई बेहतरीन हो गया माशाल्लाह से। आप गौर से दिखाइएगा कि ये होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सुनाई है। तो नाज़रीन आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हमारी जनरेशन जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन उर्दू सीख चुकी है और बोल चुकी है। अच्छा पता नहीं क्या सोचने लगे लोग, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो बहरहाल उर्दू सिखाने का मकसद ये नहीं होता, पूछने का मकसद ये था कि भाई उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हम सबको आनी चाहिए। इंग्लिश की तरफ तो हम जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर सीख रहे हैं, लेकिन जितना हम आगे जा रहे हैं उतना हम पीछे का भूलता जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, और सिर्फ उर्दू ही हमारी ख़राब हो रही है, इंग्लिश तो फिर भी माशाल्लाह बहुत सी जा रही है। तो आप जो है अपनी उर्दू का ख़ास ख्याल रखें और उर्दू को सीखते जाएं और सिखाते जाएं और आगे फैलाते भी जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहिए दमदार पॉइंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।